हम बात कर रहे हैं TARC लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो TARC में आपको 5% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है इस गिरावट के साथ। इस सपोर्ट को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था और स्टॉक 180 के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए। इस बाउंस बैक के साथ 200 के ब्रेकआउट को हमने डिस्कस किया था। देख सकते हैं स्टॉक ने 200 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता नज़र आ रहा है। इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस हाई को जहां से रिजेक्शन लिया था 240 के लेवल को ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जब गिरावट आई है स्टॉक में तो इसने सपोर्ट कहाँ लिया है? ऑलमोस्ट 190 के आसपास। इससे पहले जहाँ सपोर्ट लिया था और हमको 240 तक के टारगेट दिखाए थे, अपने सेम सपोर्ट को रीटेस्ट करके बाउंस बैक हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में इस हाई के अब ब्रेकआउट के चांस बनेंगे, पूरे चांस बनेंगे। क्योंकि स्टॉक जब भी अपने सेम सपोर्ट को रीटेस्ट करके बाउंस बैक होता है तो रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के चांस हाईली चांस बनते हैं। तो अब नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है 200 का लेवल और इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 180 का जो लेवल है इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। जब तक 180 के ऊपर रहेगा TARC में अपसाइड के चांस बने हुए रहेंगे। जहां क्लोजिंग दिया वहां से आप इमीडिएट टारगेट की बात करें तो देख सकते हैं स्टॉक ने कहां रिजेक्शन फेस किया था, 210 के लेवल पर। ये अपना इमीडिएट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट कहां रिजेक्शन फेस किया था, 220 के लेवल पर, ये सेकेंड टारगेट रहेगा। और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करके 240 तक के जम दिखा सकता है। 240 का इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा ये जो इसका हाई है, और इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 250 से लेके 260 तक का जम TARC दिखा सकता है। यहाँ तक के टारगेट अब हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।